बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर टुडेज़ लेक्चर इज अबाउट इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट इदारा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द डेफिनेशन ऑफ इदारा। अगर हम लोग कन्वेंशनल बैंकिंग की बात करें तो कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर हम इदारा को लीजिंग कहते हैं, ठीक है। इदारा को हम लीजिंग में कहते हैं। द टर्म इदारा लीजिंग इन अरबिक लिटरली मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट। मतलब इजारा का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ किसी को जब ऑन रेंट यूज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऑन करें, किसी पर्सन को सेम प्रॉपर्टी की ज़रूरत है तो वो उसको यूज़ करने के लिए जब हम उसको रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड लीजिंग। और इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हम इसको इजारा कहते हैं। इजारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहते हैं, इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर इन अ लेसर, ठीक है। लेसर इज फिजिकली अ पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अरबिक के अंदर हम मौजूद कहते हैं। लीजेस फिजिकल एसेट और प्रॉपर्टी टू अ लेसी, ठीक है। वो लीजेस फिजिकल एसेट और प्रॉपर्टी टू लेसी। लेसी को वो जो होता है वो फिजिकल एसेट या कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है वो लीज के ऊपर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो प्रोवाइडर होता है बेसिकली उसको हम मौजूद कहते हैं, और जो लेसी होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुस्ताजिर कहते हैं। वो रिसीव्स द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द ऑनरशिप ऑफ द एसेट, ठीक है। अब जो वो पर्सन फिजिकल एसेट उसको मुस्ताजिर को प्रोवाइड करता है, वो अब जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्टी को डेफिनेटली यूज़ कर रहा होगा उसके बेनिफिट्स भी उसी को मिलते हैं। तो प्रॉपर्टी किसी और की ऑनरशिप में, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसकी ऑनरशिप जो है वो मेरे पास है, वो मेरे नाम पे है, लेकिन मैंने उसको ऑन रेंट अपना जो है फॉर एग्जाम्पल अपना घर किसी को दे दिया, तो उस घर के अंदर जो भी उसके लिविंग बेनिफिट्स जो भी होंगे, ठीक है, बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द ऑनरशिप, उस ऑनरशिप के साथ जितने बेनिफिट्स एसोसिएटेड होंगे ऑफ दैट एसेट, उस एसेट की अगेंस्ट पेमेंट ऑफ प्री डिटरमिन रेंटल्स, ठीक है। उसको प्री डिटरमिन रेंटल्स के अगेंस्ट, जाहिर सी बात है अगर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ता है, प्री डिटरमिन रेंटल्स जो होती हैं अमाउंट पे करनी पड़ती हैं, जो प्री डिटरमिन रेंटल्स को अरबिक में उजरा कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पर्सन जो आपके पास लेसर होता है जो कि लीज करता है उसको मौजूद कहते हैं, ठीक है। जिस पर्सन को एसेट की ज़रूरत होती है, जो कि उस एसेट लीज पे लेता है, रेंट पे लेता है, उसको मुस्ताजिर कहते हैं। और जो रेंट्स होते हैं, ठीक है, रेंट को अरबिक में हम क्या कहते हैं, उजरा कहते हैं। फॉर अ नॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड इजारा पीरियड, ठीक है। जो भी नॉन टाइम पीरियड के लिए वो अवेलेबल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 month, 1 year, 2 years, 10 years, जो भी टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इजारा। नेक्स्ट आप जो कह रहे हैं इजारा कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा फाइनेंसिंग इज यूज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म फाइनेंसिंग टू लीज सच आइटम्स विच में इंक्लूड। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट जो इजारा फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज यूज एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग, उसको एज अ मोड ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करने के एक वे के तौर पर यूज करते हैं, टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। वो कस्टमर को क्या कहते हैं, शॉर्ट से मीडियम टर्म की जो फाइनेंसिंग होता है वो प्रोवाइड करता है। और आपको किस तरह के आइटम्स जो होंगे वो इजारा कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं, दे आर इंक्लूड लाइक रियल इस्टेट्स, ठीक है। रियल इस्टेट्स इंक्लूड होंगी, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, दैट कुड बी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई मशीनरीज हो सकती हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोटर व्हीकल्स हो सकती हैं, एंड अदर एक्सेप्टेबल नॉट टू बी हराम और फॉरबिडन एसेट्स, ठीक है। जो कि हराम या फिर फॉरबिडन एसेट्स जिनको मना किया गया इस्लाम में, वो वाले एसेट्स ना हो, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज फिजिकल एसेट्स होंगे उनको हम इजारा कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इजारा इज कम्पेटेबल बट नॉट एडमिशिबल टू कन्वेंशनल लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको हम कंपेयर तो कर सकते हैं कन्वेंशन के साथ, लेकिन ये उसको हम उसको एज एन सेम टू सेम जिसमें कहते हैं आइडेंटिकल वो नहीं कह सकते। द टर्म इजारा इज यूज इन द टू सिचुएशन, दो सिचुएशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, इट मीन्स टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन ऑन वेजेस, फॉर एग्जाम्पल ही हायर्स अ पोर्टर एट द एयरपोर्ट टू कैरी हिज लगेज। इजारे के वो दो सिचुएशन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। एक तो अभी जो हम फिजिकल लाइक एसेट की बात करें, तो फिजिकल एसेट अगर हम किसी का हायर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर हम उसको पे कर देते हैं, तो भी हम उसको इजारा के अंदर कह सकते हैं। अगर हम किसी पर्सन को हायर करते हैं, हम उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं और उसको पे कर देते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है, मतलब जो भी उसकी कोई प्री डिटरमाइंड वेजेस होंगी या सैलरीज होंगी उसके अगेंस्ट, वहाँ पर भी हम इजारा के टर्म को यूज़ कर सकते हैं। जब लोग है, इट मीन्स टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन ऑन वेजेस, फॉर एग्जाम्पल ए अगर ए जो ने कोई भी पोर्टर मतलब अपने लगेज अपने एयरपोर्ट के ऊपर अपने लगेज को कैरी करने के लिए अगर किसी को हायर कर लेते हैं, तो वहाँ उसको भी हम इजारा कहते हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू पेइंग रेंट फॉर द यूज ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर वन पे उसके बाद सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज हायर करते हैं तो वहाँ पर भी इजारा टर्म यूज हो सकती है। और अगर हम कोई फिजिकल एसेट या प्रॉपर्टी लेते हैं एज एन जैसे से फॉर एग्जाम्पल लैंड है इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, तो उसको भी हम लोग
ओके सो ऑन नेक्स्ट सैलरी फीचर्स ऑफ द इजारा कॉन्ट्रैक्ट उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. नंबर वन एसेट टू बी लीज मस्ट हैव अ वैल्यूएबल यूज दैट इज कंप्लाइंट विद शरिया. ठीक है जो भी एसेट हम लीज करेंगे उसका कोई भी कोई वैल्यूएबल यूज जरूर होना चाहिए. मतलब कोई भी ऐसा नहीं कोई भी प्रोडक्टिव कोई भी एसेट जो होगा वो वहाँ पर जरूर मौजूद होना चाहिए. एसेट टू बी लीज मस्ट नॉट कंज्यूमेबल. आप ऐसा कोई भी एसेट लीज नहीं कर सकते जिससे जिसकी कंजम्पशन हो. ठीक है मतलब ऐसा कोई एसेट नहीं जिसको हम कंज्यूम कर लें जिसको जिसकी जो है वो यूटिलाइजेशन हो जाए. ऐसे एसेट को हम लीज नहीं ले सकते. ठीक है दैट दैट इज इट कैन बी रिटर्न टू द लेसर. ठीक है कोई ऐसा एसेट जरूर होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि जी कंज्यूम कंज्यूम कर लेंगे यूज कर लेंगे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी एसेट खत्म हो जाएगा. ऐसे एसेट को लीज नहीं किया जा सकता. हम कौन से एसेट को लीज कर सकते हैं दैट इज दैट कैन बी रिटर्न टू द लेसर जो लेसर को वापस किया जा सके इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड. लीज पीरियड कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल वेयर एंड टियर इज एक्सेप्टेड. नॉर्मल जो वेयर एंड टियर है उसके अंदर मौजूद होती है दैट इज ठीक है. आप कोई बिल्डिंग यूज करें तो उसमें नॉर्मल वेयर एंड टियर जो होगी होगी ही. ठीक है अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या कोई मशीनरी यूज करें तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो दैट इज अ नेचुरल थिंग वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन ऐसे एसेट जिसको आप कंप्लीटली कंज्यूम कर लें ऐसे एसेट को हम लोग लीव के ऊपर नहीं दे सकते. नंबर थ्री भी कह रहे हैं ऑनरशिप ऑफ द एसेट रिमेंस विद द लेसर. जो भी ऑनरशिप होती है वो लेसर के साथ रहती है एंड ओनली द ओनली द यूज़फ्रक्ट इज ट्रांसफर टू द लेसी. और जो उसका जो यूज़फ्रक्ट होता है लाइक जो उसका यूज़ होता है ठीक है जो उसकी मतलब उसकी जो यूटिलाइजेशन होती है सिर्फ वो लेसी को ट्रांसफर की जा सकती है. यूज़फ्रक्ट मीन्स द राइट ऑफ यूजिंग एन अदर्स प्रॉपर्टी फॉर प्रॉफिट विदाउट स्पॉइलिंग इट्स सब्सटेंस. ठीक है आप उसके सब्सटेंस को उसके मटीरियल को ख़राब किए बगैर स्पॉइल किए बगैर ठीक है आप किसी और की प्रॉपर्टी को अगर यूज़ करते हैं अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी फैसिलिटी के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम यूज़फ्रक्ट कहते हैं. नंबर फोर पे कहते हैं लाइबिलिटीज एंड रिस्क इंसिडेंटल और टू ऑनरशिप विल रिजाइड विद द लेसर. ठीक है जो भी लाइबिलिटीज एंड रिस्क उसकी इंसिडेंटल होंगे मतलब अचानक से हो जाते हैं ऑनरशिप के साथ वो लेसर बियर करेगा. पीरियड ऑफ द इजारा एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड. जो भी उसका इजारा एग्रीमेंट का टाइम पीरियड होगा उसको क्लियरली स्पेसिफाई करना जरूरी है. पर्पज एंड मोड ऑफ यूजेज शुड बी एग्रीड अपफ्रंट. आप जो उसका क्या पर्पज होगा ठीक है और उसको कौन सा मोड ऑफ यूजेज आप करेंगे वो भी हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे. The leased asset is a trust in the hands of the lessee. ठीक है बेसिकली जो leased asset है उसको एज अ ट्रस्ट हम मतलब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उसको जो है वो lessee को जो है वो प्रोवाइड करते हैं हैंड ओवर करते हैं. Lessee is liable for the damage to the leased asset only to the extent of the lessee's negligence. जो भी नुकसान उसको उसकी उसकी negligence की वजह से होगा उसकी लापरवाही की वजह से होगा carelessness की वजह से होगा only lessee उसी के लिए ही responsible है. नंबर एट भी कहते हैं लेसी डज नॉट गारंटी द सेफ गार्डिंग ऑफ द लीज एसेट नॉट इंडेमनीफाइज द लेसर फॉर द डैमेजेस. ठीक है ना ही वो कहते हैं कि जो लेसी है वो गारंटी नहीं करता कि वो आपके लीज एसेट को जो है वो सेफ गार्ड करेगा. ठीक है लेकिन फिर उसके ऊपर कोई भी मतलब कोई भी इस तरह का ना ही वो कहते हैं इंडेमनीफाई करता है लेसर को कि उसके सारे डैमेजेस को जो है वो पे करेगा. ठीक है हाँ जो उसकी निगलिजेंस की वजह से आएगा वो उसको जरूर करेगा. लेकिन अगर वैसे उसके ऑनरशिप के ऊपर किसी नेचुरल डिजास्टर के अंदर किसी भी और प्रॉब्लम के अंदर हो जाता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. नेक्स्ट इधर रेंटल पेमेंट मस्ट कमेंस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द लीज्ड एसेट इधर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली. ठीक है गिव कीज टू द ऑफ द हाउस. कहते रेंटल पेमेंट मस्ट कमेंस आफ्टर द डिलीवरी. आप जब लीज्ड एसेट अगले बंदे को प्रोवाइड कर देंगे ना मतलब जब आपने एक एसेट उसको बाय किया अगले बंदे को लीज कर दिया से फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि चाहे वो कोई एक्चुअल एसेट हो या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप में भी हो तो भी से फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई घर है तो जब तक आप उस घर की कीज अगले बंदे को हैंड ओवर नहीं करेंगे पोजेशन हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तक रेंटल पेमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं होगी. अपॉन लॉस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूज़फ्रक्ट द इजारा कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड. इजारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा अगर आपका जो भी वो था आप जो एसेट जो थे अगर आप उसका यूज़ करना छोड़ देते हैं. ठीक है अगर आप उस एसेट को यूज़ नहीं कर रहे या फिर उस एसेट की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है तो वहाँ पर जो इजारा कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा. और नेक्स्ट ही सेइंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल लीज एंड इजारा. ठीक है कन्वेंशनल लीज और इजारा के बिटवीन क्या डिफरेंस है अब वो जरा पॉइंट्स हम देख लेते हैं. कहते हैं कन्वेंशनल लीज द लेसर हैज द यूनिलैटरल राइट टू रेसेंट द लीज कॉन्ट्रैक्ट एट हिज होल डिस्क्रेशन व्हिच इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ शरिया. कहते हैं कन्वेंशनल लीज के अंदर जो आपका लेसर होता है ना उसके पास यूनिलैटरल उसके पास होल राइट होता है कि वो जब चाहे लीज कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे रेसेंट कर दे. ठीक है अपनी सिर्फ डिस्क्रेशन के ऊपर जो कि शरिया लॉज के अकॉर्डिंगली अलाउड नहीं है. ठीक है एक्सपेंसिंग अंडर इजारा आर एज फॉलोज. इजारा के अंदर जो एक्सपेंसेज होंगे वो अब लेसर लेसर बेसिकली कौन से एक्सपेंसेज को बियर करेगा.
एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कॉर्पस ऑफ द एसेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कौन से जो उसके वो हो सकते हैं उसके एसेट से रिलेटेड, अगर उसकी इंश्योरेंस है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है उसके ऊपर रिपेयर आ जाती है, ठीक है, दैट विल बी बॉर्न बाय द लेसर, उसको लेसर बेयर करेगा. और लेसर के एक्चुअल ऑपरेटिंग और ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द रनिंग ऑफ द एसेट, आप एसेट को रन करें या रन करते टाइम उसके ऊपर जो भी ओवरहेड से फॉर एग्जाम्पल कोई फ्यूल चाहिए होता है, कोई रिपेयर चाहिए होती है, ठीक है, मतलब जो उसके ऑपरेशंस के अंदर जो भी आएंगे टू रन द एसेट, एसेट को रन करने के लिए विल बी बॉर्न बाय द लेसी, वो लेसी बियर करेगा. पॉइंट नंबर थ्री में कहते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परमिसिबल इन श्रेया, श्रेया के अंदर अलाउड नहीं है कि आप दो कॉन्ट्रैक्ट को एक ही के अंदर मर्ज कर दें. देयरफॉर वी कैन नॉट हैव द एग्रीमेंट ऑफ हायर एंड परचेज इनटू वन एग्रीमेंट, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि हम हायर और उसकी परचेज दोनों का एग्रीमेंट सेम में नहीं करेंगे. Only we can undertake or promise to purchase the lease asset. कहते हैं हाँ हम ये कर सकते हैं, undertaking ले सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन हम उसी को सेम एग्रीमेंट के अंदर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अच्छा, नॉर्मली कन्वेंशन लीजेस के अंदर या जाड़ा के अंदर क्या होता है, हम उसको आगे फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, कि वहाँ पर वो पर्सन एक हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड देते हैं मनी रिक्वेस्ट के ऊपर, से फॉर एग्जाम्पल वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ व्हीकल, हमने बैंक से रिक्वेस्ट की हमें गाड़ी चाहिए, बैंक अब हमारे भी आपके ऊपर गाड़ी खरीद लेगा, ऑनरशिप जो होगी गाड़ी की वो बैंक के साथ रहेगी, ठीक है, लेकिन बैंक वो गाड़ी हमें हैंड ओवर कर देगा यूजेज के लिए. अब जो भी उसके पीछे टर्म एंड रेंटल्स होंगे वो हम क्या करेंगे, वो हम बैंक को पे करते रहेंगे, ठीक है. अच्छा, अब समटाइम्स इजारे के अंदर क्या होता है, हम उसके साथ प्रॉमिस कर लेते हैं कि जी ये लीज भी 10 साल के बाद कम्प्लीट होगा और 10 साल के बाद मैं ये ऐसे आपसे परचेज कर लूंगा, ठीक है. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि जी आप मेरी भी आपके ऊपर उसको परचेज करें और परचेज करके आप मुझे वो दे दें, उसको उस पर लीज तो दे दें और उसके बाद मैं आपसे उसको परचेज भी कर लूँगा. तो वो जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होता है उसको वो नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है, ठीक है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों के लिए सेपरेट जो होंगे वो उसका जो होगा वो करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अलहदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एक एग्रीमेंट में जाना चाहते भी हैं तो ओनली आप क्या कर सकते हैं, आप तो प्रॉमिस पुट कर सकते हैं वहाँ पे कि हाँ अंडरटेकिंग ले सकते हैं कि हाँ जी वो ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड हम उस एसेट को परचेज कर लेंगे. पॉइंट नंबर फोर में कहते हैं कन्वेंशन लीज द लीज स्टार्ट इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट, कन्वेंशन लीज के अंदर अभी एसेट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता तो उससे पहले ही क्या होता है, आप उसके ऊपर उसकी जो लीज होती है वो स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ नॉट परमिसिबल इन शरिया, शरिया के अंदर ये परमिसिबल नहीं है, ठीक है. मतलब कन्वेंशन लीज के अंदर क्या होता है कि अभी एसेट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता तो उससे भी पहले हम उसको रेंट होते वो लेना शुरू कर देते हैं, जबकि जारे के अंदर जब तक हम फिजिकली एसेट को हैंड ओवर नहीं करते तब तक हम उसके ऊपर रेंटल पेमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर फाइव, पेनल्टी इनकम इज चार्ज फॉर द लेट पेमेंट्स इन कन्वेंशनल लीज, कन्वेंशनल लीज के अंदर अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी इनकम जो होगी या कोई भी फाइन वगैरह भी चार्ज होगा. टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इजारा, इजारा की कितनी टाइप हो सकती है. नंबर वन ऑपरेटिंग इजारा, ऑपरेटिंग इजारा में क्या कहता है, ऑपरेटिंग इजारा इज अ लीज दैट डज नॉट इंक्लूड अ प्रॉमिस. That the legal title in the leased asset will pass to the lease lessee at the end of the lease. वो जो भी हम बात कर रहे थे कि sometimes जो lessee होता है वो lessee से क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप मेरी behalf पे ये purchase कर लें, मैं इतने साल के लिए इसको use करूँगा and at the end of that time period मैं इस asset को आपसे purchase भी कर लूँगा, ठीक है. ऑपरेटिंग इजारा में कहते हैं कि ऑपरेटिंग इजारा वो लीज है दैट डज नॉट इंक्लूड अ प्रॉमिस, इसमें वो प्रॉमिस इंक्लूड नहीं है. दैट द लीगल टाइटल इन द लीज्ड एसेट, कि लीज एसेट का जो लीगल टाइटल है वी पास टू द लेसी, वो लेसी को पास ऑन हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लीज, लीज टाइम पीरियड के एंड पर, ठीक है. पॉइंट नंबर टू में कहता है इजारा मुंतहिया बिल्तमलीक, इजारा व इक्तना भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है. इसके अंदर इसकी क्या है, इट इज अ लीज दैट कंक्लूड्स विद द लीगल टाइटल इन द एसेट पासिंग टू द लेसी आफ्टर इजारा. आफ्टर इजारा जो भी इजारा का कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड जब कंप्लीट होगा तो जो लीगल टाइटल होगा ना एसेट का वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, वो लेसी को चला जाएगा. इजारा मुंतहिया बिल्तमलीक इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या इंक्लूड है, कहता है इजारा थ्रू गिफ्ट. आप एट द एंड देखो, अब एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड एसेट वहाँ पे ट्रांसफर होना है ना, अब वो ट्रांसफर होने की क्या 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 सिचुएशन हो सकती है. इजारा थ्रू गिफ्ट, आप उसको एज एन गिफ्ट वो दे दें, ठीक है, टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो आप उसे एज एन गिफ्ट कहें कि ये प्रोडक्ट या जो भी एसेट है वो आप रख लें. इजारा एंड ट्रांसफर ऑफ द लीगल टाइटल एट द एंड ऑफ द लीज फॉर अ टोकन कंसिडरेशन और अनदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द लीज, ठीक है. वो टोकन कंसिडरेशन भी उसी तरह से होता है कि आपको अमाउंट जो होता है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हाँ जी ये अमाउंट जो है वो आपको जो है वो पे करेंगे एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड और जो टाइटल होगा वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इजारा थ्रू ट्रांसफर ऑफ द टाइटल प्रायर टू द एंड ऑफ द लीज एट अ प्राइस प्री डिसाइडेड,
वो कहते हैं इजारत को ट्रांसफर ऑफ द टाइटल प्रायर टू द एंड ऑफ द लीज, लीज लीज टाइम पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, उससे पहले ही जो उसका वो जो इजारा का जो वो जो टाइटल ऑफ दैट जो भी उसका फिजिकल एसेट था वो ट्रांसफर हो जाएगा एट द प्राइस प्री डिसाइडेड, उस प्राइस के ऊपर जो आप लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इजारा में उसकी थर्ड और लास्ट टाइप है इजारतुल मुशा और ज्वाइंट ऑनरशिप इजारा. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ज्वाइंट ऑनरशिप होती है बैंक की या जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और कस्टमर की. वो कहते हैं इट इज अ लीज वेयर बैंक एंड द कस्टमर ज्वाइंटली ऑन द लीज एसेट, जो भी लीज एसेट चाहिए होता है दोनों के अंदर उसकी ऑनरशिप होती है. मतलब एक तो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया ना कि हम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमारे भी आप पे ये परचेज कर लें, हमें लीज पे दे दें, एट द एंड ऑफ दैट टाइम पीरियड हम आपको उससे परचेज कर लेंगे. अगर वो परचेज कर लेता है तो वो सेकंड टाइम में फॉल करता है, अगर वो परचेज का प्रॉमिस नहीं करता तो वो फर्स्ट टाइम में फॉल करता है. और थर्ड टाइम में क्या, थर्ड टाइम में दोनों जॉइंटली ऑन करेंगे लीज एसेट को. बैंक गिव्स इट्स शेयर टू द कस्टमर ऑन लीज. ठीक है, बैंक अपना जो शेयर होता है वो कस्टमर को लीज पर दे देता है. ठीक है, अब से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाड़ी परचेज कर लेते हैं एंड द प्राइस ऑफ दैट व्हीकल इज 10 लाख. ठीक है, तो 5 लाख कस्टमर पे कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की बैंक ने पे कर दिया, तो 10 लाख की दोनों ने मिलकर गाड़ी परचेज कर लिए. अब जो बैंक का पोर्शन है ना 5 लाख का, वो सिर्फ अपने ऐसी बात है जो 5 लाख कस्टमर का है तो कस्टमर के पास ही रहेगा, तो जो उसके पास 5 लाख की जो ऑनरशिप है वो सिर्फ उसी को जो है वो लीज कर सकता है. आफ्टर द टर्म ऑफ इजारा द ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू इजारा मुंतहिब अल-तमली. वो कहते हैं जो उसका एट द एंड ऑफ इजारा, जब इजारा टर्म खत्म होगी तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वो सेकंड ट्रीटमेंट की तरह ही होगा कि ऑनरशिप जो होगी वो लेसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो एज एन गिफ्ट भी हो सकती है, वो प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर भी हो सकती है, वो टाइम पीरियड से पहले भी हो सकती है. ओके, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास उसका मौजूद है सारा एक प्रोसेस. ठीक है, कि आपको कैसे जो होगा वो प्रोसेस करेंगे. अच्छा, प्रोसेस ऑफ इजारा, प्रोसेस ऑफ इजारा में कहते हैं द कस्टमर अप्रोचेस द बैंक विद द रिक्वेस्ट फॉर द इजारा फाइनेंसिंग एंड एंटर इनटू अ प्रॉमिस टू द लीज एग्रीमेंट. ठीक है, कस्टमर क्या करेगा, अप्रोच करेगा बैंक को. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट में यहाँ पे जो आपका कस्टमर है ना, दिस इज योर एग्रीमेंट नंबर वन. ठीक है, यहाँ पर आपका एग्रीमेंट नंबर वन होता है. इसमें कस्टमर ने क्या करना है, इस्लामिक बैंक को अप्रोच करना है फॉर द इजारा फाइनेंसिंग एंड एंटर इनटू अ प्रॉमिस टू लीज एग्रीमेंट, और लीज एग्रीमेंट के एक कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो जाएगा. नंबर टू पे फिर बैंक क्या करता है, द बैंक परचेजेस द आइटम रिक्वायर्ड फॉर लीजिंग एंड रिसीव टाइटल ऑफ द ऑनरशिप फ्रॉम द वेंडर. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, इस्लामिक बैंक ने क्या किया, वेंडर मतलब कोई भी सप्लायर है, उसने सप्लायर को अप्रोच किया. ठीक है, उसने क्या कर दी, पेमेंट ऑफ द परचेज प्राइस, जो भी परचेज प्राइस थी वो उसको पे कर दी है, और जो भी उस आइटम का टाइटल होगा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा अब किसके नाम के, बैंक के ऊपर. ठीक है, इफ द बैंक मेक्स पेमेंट टू द वेंडर, वो ये वाली बात है, यहाँ से उसने पेमेंट कर दी, यहाँ से उसका ट्रांसफर हो गया टाइटल, और जो ये वाला जो लीज एसेट जो भी चाहिए था, से फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार, तो वो इस्लामिक बैंक के नाम पे क्या हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है. एग्रीमेंट नंबर वन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या था, यहाँ से वेंडर के पास से जो था आपके पास, यहाँ वेंडर के पास से आपके पास जो है वो एक जो गाड़ी थी उसकी, यहाँ पे पहले उसने यहाँ पे आपको क्या किया था, अप्रोच किया था इस्लामिक बैंक को, इस्लामिक बैंक ने पेमेंट ऑफ द परचेज प्राइस करके ट्रांसफर कर दिया टाइटल इस्लामिक बैंक के नाम पे. अब जो वही वाली गाड़ी थी उसने बेसिकली क्या कर दिया, उसने कस्टमर के नाम पे उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल यहाँ पर हो जाएगा, और अब कस्टमर बेसिकली क्या करता रहेगा, पेमेंट ऑफ द रेंटल फी, रेंटल फी पे करता रहेगा इस्लामिक बैंक को. यहाँ पर बेसिकली क्या है, द बैंक लीजेज द एसेट टू द कस्टमर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट. ठीक है, लीज एग्रीमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, वो जो एसेट जो उसने परचेज किया था वो लीज पे इसको दे देगा. जैसे ये भी आपने देखा था, ये जो बेसिकली व्हीकल थी ये वेंडर से इस्लामिक बैंकिंग को ट्रांसफर हुई, और इस्लामिक बैंक ने इसको ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इसको दे दिया था, उसने वो क्या कर दिया था, वहाँ पे दी थी वो कस्टमर को दे दी थी. ठीक है, कहते थे कस्टमर मेक्स प्रायोरिटी पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो ये जो रेंटल फीस है जो प्रायोरिटी पेमेंट है कस्टमर जो होता है इस्लामिक बैंक को करता रहता है. एंड द एंड ऑफ द टेन्योर कस्टमर कैन परचेज द एसेट फ्रॉम द बैंक विद द हेल्प ऑफ सेपरेट सेल एग्रीमेंट. वो एक सेपरेट सेल एग्रीमेंट उसके साथ साइन करेगा, और उस एग्रीमेंट के अंदर जो इसकी टाइटल है, पहले तो वो सिर्फ पोजेशन थी ना उसके पास, अब जो टाइटल है उसका वो भी उसको चला जाएगा. ठीक है, मतलब जो उसकी ऑनरशिप है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इजारा के अंदर जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे वो कौन कौन से, नंबर वन इजारा एग्रीमेंट, आपको इजारा एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी. इजारा एग्रीमेंट इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड द कंडीशंस पर्टिनेंट टू इजारा ऑफ द पर्टिकुलर एसेट. जो भी आप एक पर्टिकुलर एसेट उसको लीज करने के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, रेंटल टाइम, रेंटल पीरियड क्या होगा, मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, पर्पज ऑफ यूज क्या हो सकता है. ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें उस इजारा एग्रीमेंट में राइट होती है. Ijara agreement shall invariably be signed after the lesser has taken the possession
ऑफ द एसेट एंड नॉट अर्लियर, ठीक है. वो कहते हैं जब तक लेसर आप तब तक गाड़ी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते जब तक लेसर वो एसेट पर चेंज ना कर ले. आपने देखा आपने बैंक को रिक्वेस्ट किया ना मुझे गाड़ी चाहिए, लेसर एग्रीमेंट उससे पहले नहीं शुरू होगा. बैंक पहले वो गाड़ी खरीदेगा, बैंक के नाम के ऊपर उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी. जब बैंक के पास वो गाड़ी मौजूद होगी तब ही आप उसको साइन करेंगे, तब से ही आपकी जो रेंटल पेमेंट है वो स्टार्ट होंगी, ठीक है. नेक्स्ट में वो आपसे कह रहे हैं अडेंडम्स टू इजारा एग्रीमेंट, उसके अंदर एडिशनल कौन कौन से जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द इजारा एसेट, जो भी इजारा एसेट है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी. मतलब से फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, क्वालिटी, प्लेस, आपकी हर चीज, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग, उसके अंदर उसकी इजारा एसेट की डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी. स्केड्यूल ऑफ इजारा रेंटल्स, रेंटल्स की स्केड्यूल ऑफ के आपकी वो कितनी रेंट की अमाउंट कब पे करनी है, कितनी पे करनी है, किसको पे करनी है, वो सारा स्केड्यूल होगा. रिसीट ऑफ द एसेट, एसेट को रिसीट कैसे होगा. डिमांड फॉर मिसिंग नोट, सबसे पहले हम अपना डीपी नोट ही देते हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट है वो चाहिए, ठीक है, आप उसको हमारे लिए आपके ऊपर परचेज कर दें और हम उसके ऊपर एक वो उसको डीपी नोट को इशू करते हैं, वो आ जाएगा. अंडरटेकिंग टू परचेज द लीज एसेट, यहाँ पे वो एक जो कस्टमर होता है वो अंडरटेकिंग भी देता है कि वो जो भी परचेज एसेट है वो उसको वहाँ से परचेज कर लेगा, ठीक है. लीज एसेट है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कस्टमर के बिहाफ के ऊपर परचेज किया, वो कहते हैं लीज टाइम पीरियड के बाद उसको परचेज कर लेगा. अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अंडरटेकिंग फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द इजारा एसेट, ठीक है, अगर आप उसको अंडरटेकिंग लेते हैं कि अगर आप इजारा जो भी एसेट है आपने बिजनेस के लिए उसको लिया है तो आप उसको पर्सनल यूज में करना चाहते हैं तो आप उसकी अंडरटेकिंग देते हैं. एक ट्रस्ट रिसीट होती है, ठीक है, ट्रस्ट रिसीट के ऊपर जैसे वो पहले कहते हैं कि दिस इज इन द मतलब इन द हैंड ऑफ द लेसी एज अ ट्रस्ट, हम ट्रस्ट बेसिकली लेसर ट्रस्ट करता है ना लेसी के ऊपर, इसलिए वो उसको अपना एसेट जो होता है वो यूज़ के लिए दे देता है. तो वो ट्रस्ट रिसीट भी आ जाती है उसके अंदर, वो भी दिस इज टू अ टाइप ऑफ मतलब वो एक एग्रीमेंट है जो वो साइन कर लेते हैं. ऑथराइजेशन टू टेक पोजिशन ऑफ द लीज एसेट, लोग लीज एसेट की जो पोजिशन होती है वो उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि वो आप पोजिशन वो ले लें, और उसके अंदर सेल डीड जो भी आपका सेल एग्रीमेंट है वो भी इंक्लूडेड होता है. टर्मिनेशन ऑफ इजारा टर्मिनेट कैसे हो सकता है, उसको आप एंड कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या है, इफ द टर्मिनेशन हैज बीन इफेक्टेड ड्यू टू द मिसयूज और द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लेसी, ही मे आल्सो बी आस्क्ड फॉर टू कंपनसेट द लेसर फॉर द लॉस कॉज्ड बाय सच मिसयूज और द नेग्लिजेंस. वो कहते हैं अगर वो टर्मिनेट होता है क्योंकि जो लेसी है ना वो उसको मिसयूज कर रहा है या फिर उसको नेग्लिजेंस के साथ केयरलेसनेस के साथ यूज कर रहा है और जिसकी वजह से जो एसेट की प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट हो रही है या एसेट खराब हो रहा है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना सिर्फ कि वो टर्मिनेट हो जाएगा बल्कि जो लेसर है ही कैन आस्क द लेसी टू कॉम्पनसेट द लॉसेस. वो उसको ये भी कह सकते हैं कि हम इन लॉस को कॉम्पनसेट करके दो, तुम्हारी वजह से मेरी प्रॉपर्टी को हुआ, तुम्हारे मिसयूज करने से, तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से या तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है. नंबर टू भी कहते हैं द लेसी कॉन्ट्रावीज एनी टर्म ऑफ द लीज एग्रीमेंट, अगर वो लीज एग्रीमेंट के किसी भी टर्म के अगेंस्ट जाता है द लेसर मे यूनिलैटरली टर्मिनेट द एग्रीमेंट, तो वो अकेला भी उसको टर्मिनेट कर सकता है. If there is no contravention, the agreement can only be terminated by mutual consent. अगर कोई भी उसके अंदर contravention नहीं होती, कोई भी against उसके नहीं जाते, ठीक है, तो जो पूरा agreement होगा that can only be terminated by the mutual consent. उसको सिर्फ mutual consent के साथ ही terminate किया जाएगा. Last one, conventional financial lease agreement give termination right to the lesser in all the cases. Conventional financing के अंदर सारे के सारे rights lesser के पास मौजूद होते हैं, वो जब चाहे अपना lease agreement खत्म कर ले, जो कि शिया लास्ट की अगेंस्ट है, contrary and that is not allowed. और ये उसके पास आपके पास मार्केट शेयर आ गया है, मार्केट शेयर आपको अपडेट करना पड़ेगा एज पर 2020 के जो आपके पास मौजूद होंगे उसके फिगर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप ये वाले पुराने फिगर्स यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आप इस लेक्चर को जो है वो देखें, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन होगी तो हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे. विश यू गुड लक एंड टेक केयर स्टूडेंट्स.